शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्विली में जियो 4G इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल का बिना मंत्री कृषि विभाग व विधायक नरेंद्र नागर थे। महाविद्यालय में मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना में स्वागत गान प्रस्तुत किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव ने पौधा विशाल भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। श्री सुबेध उनियाल ने डिजिटल रूप से रिबन काट कर जियो 4G इंटरनेट सुविधा का उद्घाटन किया। प्राचार्य प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय को एक कंप्यूटर में 4G इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय द्वारा उसका विस्तार इंटरनेट द्वारा एक कक्षा पुस्तकालय व कार्यालय में कर दिया गया है। यह सुविधा मुख्यतः ऑनलाइन कक्षा हेतु प्रदान की गई है। छात्र छात्राओं में 4G इंटरनेट को लेकर बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट है कि आज शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी क्विली में जियो इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा का उद्घाटन हुआ है और यह उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा किया गया है। यह सुविधा मुख्यतः छात्र छात्राओं के ऑनलाइन टीचिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा प्रदान की गई है और इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। योजना के सारे विद्यालयों में बच्चों को खाते करने के लिए और बच्चों पे जो कोरोना महामारी के कारण ये ऑनलाइन चली गई सुविधाएं नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज टीचिंग उनकी हो सके उसके लिए 4G इंटरनेट सुविधा दी गई है। उसकी शुभारम्भ हुआ है पोखरी में। सरकार का बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है और आज के IT के दौर में और जरूरी है कि बच्चे अब स्वयं भी वर्तमान टेक्नोलॉजी से जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ये भी विज्ञ हों और जीवन में एक सफल नागरिक के रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जो